पता है कि मैंने एक स्टोरी डाला था कि मैंने एक गेमिंग हेडफोन ऑर्डर किया है, वो भी फ़ोन के लिए गाइस, ठीक है। तो आप लोगों ने बोला गाइस कि इसके ऊपर सेपरेट वीडियो डाला जाए, तो मैंने मैंने बोला था कि मैं अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर मैं लाऊंगा। और गाइस यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ वीडियो, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो और बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए गाइस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो इसका जो फ्रंट पेज में, मतलब फ्रंट डब्बे में जो बोलो, पेज क्या बोल रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है गेमिंग हेडसेट H3, ठीक है। एंड आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा लोगो है इसका। उसके बाद यहाँ पे तीसरे पे मेंशन क्या है, एडजस्टेबल हेडबैंड, ठीक है। तो ये मतलब ऊपर नीचे होता है, ओके। और यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक का मेंशन किया हुआ है। एंड गाइस यहाँ पे देखो आप लोग पहले ही लिखा हुआ है किस किस फोन में सपोर्ट करेगा एंड किस किस चीज में, मतलब ये किस किस चीज़ के लिए बना है यानी बिल्ड किया गया है। PC, लैपटॉप, PS4 एंड Xbox One एंड मोबाइल के लिए सपोर्ट करता है। यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हो मोबाइल मेंशन है, यानी कि मोबाइल में सपोर्ट करने वाला है। बट क्या होता है गाइस, कभी कभी बहुत सारे फोन में सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि आज मेरे साथ हुआ है, तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो आज यही बताने वाला हूँ आप लोगों को इस वीडियो में। तो वीडियो को बस एंड तक देखना कि क्या यह सच में मोबाइल के लिए सुइटेबल है, यानी कि क्या सच में मोबाइल में सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, वो वीडियो को एंड में बता दूंगा आप लोगों को। और मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा इसको लेने के बाद, तो वो सब बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। वीडियो में बस बने रहो। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कॉस्मिक बाइट रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसको लग रहा होगा ये चाइना कंपनी है फिर कोई और कंपनी है, बहुत तगड़ा कंपनी का, जिसके बहुत सारे हेडफोन्स बन रखे हैं ऑलरेडी। तो यार आप लोग चाहो तो इसके जो भी हेडफोन चाहते हो खरीद सकते हो, काफ़ी ओपी है, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच टू गॉड मोड, यानी कि मतलब काफ़ी अच्छा मतलब दिया हुआ है। एंड आप लोग इधर देखो इसका लोगो, स्विच टू गॉड मोड का लोगो, कॉस्मिक बाइट का लोगो, इन शॉर्ट गेमिंग हेडसेट। और यहाँ पे देख सकते हो लोगो बना हुआ है। एंड पीछे का पूरा बहुत सारा मेंशन है, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, इतना लंबा तो मैं बताऊंगा नहीं, ये तो वीडियो बोरिंग हो जाएगा। तो अभी चलिएगा देखते हैं हेडफोन किधर है। किधर है भाई मेरा हेडफोन, किधर चला गया, कहाँ है मेरा हेडफोन? तो आप लोग इसके अंदर कुछ नहीं, मेरा हेडफोन कहाँ है ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे उसको मेरा तार मिल चुका है, तो अब इसको मैं खींच लेता हूँ, कहाँ है। बाप रे बाप, इतना लंबा वायर देख सकते हो क्या है भाई ये, क्या है मतलब, क्या मतलब कुएं से पानी निकालने के लिए जितना रस्सी लगता है उतना लंबा दिया है, मतलब समझ रहे हो यार, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तो एंड ये देख सकते हो इतना बड़ा, मतलब क्या बोलो इसको, पत्थर जितना बड़ा इसका दिया है वॉल्यूम कम करने के लिए एंड माइक का एडजस्टेबल, ठीक है। तो ये सब दिखाऊंगा मैं आपको, पहले स्टार्टिंग शुरुआत से करता हूँ। ये मैंने खुद से ख़रीदा है, मेरा ये खुद का है, इसको आप लोग OTG बोल सकते हो, ठीक है। ये मेरा मतलब जो टाइप सी होता है ना, टाइप सी OTG है, तो मेरे पास ये ऑलरेडी था, तो इसको मैंने लगा दिया था लाइट जलाने के लिए। एंड गाइस ये PC में लगता है, मतलब सीधा कुछ आपको PC में लग जाएगा, बट अगर आपके पास फ़ोन है तो आपको वो परचेज करना पड़ेगा। ये 3.5 mm जैक, एंड उसके बाद इतना लंबा तार जो कि काफ़ी अच्छा है। देखो क्वालिटी, देखो तार का क्वालिटी, खींच रहा हूँ भाई टूट नहीं रहा भाई, क्या है, अंबुजा सीमेंट से बना है शायद, समझ रहे हो, बहुत अच्छा है, मतलब क्वालिटी देखो, उसको प्रीमियम क्वालिटी एकदम। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे इसका बात आता है, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हो ये थोर का हथौड़ा है, इन शॉर्ट बोलूँ तो गाइस ये थोर का हथौड़ा जितना भारी है, मजाक कर रहा हूँ यार, ये बहुत लाइट वेट है। एंड गाइस इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, आप लोग इसका देखो साउंड देखो कितना ज़्यादा प्रीमियम है, इसको ऐसा करके तोड़ना भी चाहो ना नहीं टूटेगा, एक फाइट भी ऐसा करके मार दो ना नहीं टूटेगा, पर तोड़ूंगा नहीं भाई, रिक्स हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का, काफ़ी OP क्वालिटी है। पर इसमें जो मेंशन चीज़ है वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग इधर देखो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माइक का साइन बना हुआ है, उस पर कट ऐसा है, ठीक है, और इधर बना हुआ है माइक, ठीक है। तो मतलब आप इसको ऐसे करोगे तो ये माइक से मतलब माइक ऑफ हो जाएगा, एंड ऐसे करोगे तो माइक ऑन हो जाएगा, इतना तो सभी को पता होता है। एंड ये जो होता है गाइस आप लोग, ये एडजस्टेबल है, मतलब कि आप साउंड कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, जो कि सभी हेडफोन में नहीं होता है मेंशन, पर ज़्यादातर जो भी PSCC एंड लैपटॉप के लिए बने होते हैं उसमें मेंशन होता है, ठीक है। एंड इसका क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारे मेन चीज़ के बारे, ठीक है। तो पहले ही खुल गया इसको, मैं बाद में दिखाता हूँ आप लोगों को, पहले ही दिखा दिया साला, चलो कोई बात नहीं। अब देखते सबसे मेन चीज़ गाइस, इसका माइक देखो, इसको इधर छेद देखो, वो छेद मत समझना, गलत चीज़ मत समझना, ठीक है। एंड ये काफ़ी मतलब अच्छा है, मतलब ऐसे आप लोग रख सकते हो, ऐसे रखो, ऐसे करो, ठीक है। एंड जो अगर लाइट है वो यहाँ पे मेंशन है, ऐसे जो जलता है तो साइड वाले को दिखता है, सामने वाले को नहीं दिखता है, हल्का दिखता है सामने वाले को, बट साइड में जो है तो उसको दिखेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी इन शॉर्ट बोलूँ तो। एंड अब बात करते हैं इसके कुशन की, ठीक है। तो कुशन काफ़ी प्रीमियम है, देखो कान दर्द नहीं होगा, काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी नहीं करना, देखो आप लोग देखो, ये देखो, मतलब ये मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया अब कम से कम 15 दिन हो गए होंगे अब से लेके, काफ़ी मस्त है, देखो
मेरा सर एकदम बिल्कुल भी दुख नहीं रहा इसके वजह से, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है पर फिर भी इसमें कुशन दिया, वो भी काफ़ी अच्छा वाला दिया है, बहुत अच्छा क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड आप लोग इसको ऐसे मरोड़ भी सकते हो, पर मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, दे सकते हो, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। एडजस्टेबल के बारे में बात कर रहे थे, मैं जहाँ डब्बे में मेंशन था आप लोग इसको देख सकते हो, इसका थोड़ा क्वालिटी ये ऐसा जो है ना, इसके वजह से मतलब थोड़ा सा लुक खराब कर देता है, बट कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा है, एकदम फ्लेक्सिबल। एंड इसका भी देखो गाइस, इधर भी अबे थोड़ा सा फंस रहा है, देखो 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 थोड़ा सा फंस रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मतलब 1200 के अंदर में अगर आप लोग को चाहिए एक अच्छा हेडफोन तो ये सही है, बट गाइज यहाँ पे जो प्रॉब्लम आया ना मेरे को वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये हेडफोन में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को इसमें दो ही चीज़ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। एक तो गाइज मैं इसको लगा के अगर खेल रहा था ना तो फुल साउंड में खेल रहा था, तो सामने वाले बंदे को मतलब मेरे जो बाजू में बैठा है उसको साउंड आता है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बैठ के खेल रहा हूँ तो साला 5-10 मीटर दूर भी आवाज़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को इसमें डिसएडवांटेज लगा है, मतलब अगर फुल में भी नहीं खेलते हो ना 80% भी साउंड करके खेलते हो तो सामने मतलब तुम्हारे जो बाजू में बैठा है उसको सुनाई देगा। अगर आप लोग पबजी के लिए खेल रहे हो तो आपके दोस्त तो गाली देते ही होंगे, अगर आपके दोस्त गाली देंगे तो तुम्हारे जो सामने में या बाजू में तुम्हारी मम्मी बैठी होगी या पापा बैठे होंगे उनको भी सुनाई देगा। तो अगर आप लोग पबजी खेलने के लिए ले रहे हो तो यहाँ पे इस चीज़ का डिसएडवांटेज आप लोग को मिलेगा, ठीक है, कि मतलब बाहर भी साउंड जाता है, इन शॉर्ट बोलूँ तो इस हेडफोन से। एंड दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है गाइज ये जैक, ठीक है, ये जो जैक है ना गाइज पता नहीं इतना मोटा दिया है, मतलब ये जो है ना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। मैं यहाँ पे इसे डालता था फ़ोन में एंड अच्छे से माइक सपोर्ट नहीं कर रहा था। मैंने एक फ़ोन में डाला, सभी फ़ोन में चेक किया डाल के, एंड मेरे दोस्त के पास भी ऐसा वाला सेम टू सेम है, उसने भी ऑर्डर कर, उसको भी सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो गाइज़ अगर आप लोग इसको पी सी के लिए ले रहे हो, पी एस सी सी के लिए ले रहे हो, एंड गाइज अगर आप लोग पी एस फोर के लिए ले रहे हो, ठीक है, तो तब ठीक है, लेकिन अगर आप लोग फ़ोन के लिए ले रहे हो तो आप लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो जैक है ना वो कुछ ज़्यादा ही मतलब बड़ा है, 3.5 mm ही है, पर यहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जैसे कि मेरे को कर रहा है, कभी कभी मेरा माइक का साउंड ही गायब हो जा रहा था, जो कि मैंने इसको मतलब बाद में ये मतलब क्या बोलते हैं उसको रिपोर्ट किया फ्लिपकार्ट पे, तो उधर से बोलिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वापस वगैरह हो जाएगा, कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको वापस कर दिया, मेरे को उसको नहीं चाहिए, फालतू है वैसे भी, पैसा बर्बाद लगा मेरे को। अगर आप लोग यार गेमिंग के लिए ले रहे हो तो प्रॉब्लम होगा, बाकी इसका राइट लेफ्ट साउंड बहुत ज़्यादा ओपी है, मतलब बंदा अगर तुमसे बहुत ज़्यादा दूर भी होता है ना तो भी मेरे को लेफ्ट और राइट का साउंड बहुत अच्छे से सुनाई देता है, तो इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड गाना सुनने के लिए तो काफ़ी ओपी है, मूवीज़ देखने के लिए बहुत ज़्यादा ओपी है, बट अगर आप लोग गेमिंग के लिए ले रहे हो तो थोड़ा भारी है, सिर दर्द करेगा ज़्यादा देर तक लगा कर रखोगे तो, अगर 4-5 घंटे खेलते हो तो आपका सिर दर्द होने लग जाएगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही था, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बट उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने वापस कर दिया है तो ये वापस हो जाएगा, कोई सीन नहीं है, ठीक है।